तो स्वागत है गाइस हमारे इस चैनल में। और इस चैनल में आज से हम ट्रेडर लाइफ सिमुलेटर की डेली एक एपिसोड लाने वाले हैं। तो इस बेसिकली इस वाले गेम में मैं बता देता हूँ, ये हमारा हॉल है तो यहाँ हम सोफ़ा लगा सकते हैं और बाकी अदर चीज़ लगा सकते हैं। हमारा ये घर मिला है, इस गेम में हमको दुकान मिला है, एक छोटा सा शायद दुकान को मैंने अभी तक नहीं देखा है। और ये घर है हमारा प्रॉपर, जो कि काफ़ी बड़ा घर है और बाहर वो गाड़ी खड़ी है, तो बाहर से भी हमारा जो घर है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो चलो अंदर जाके बताता हूँ कि मेरा क्या प्लान होने वाला है इस गेम में। तो ये हमारा बेडरूम है जहाँ पुराना सा बेड रखा हुआ है, और इस रूम को बना देंगे अपन बाथरूम क्योंकि छोटा सा है, और ये हॉल बन जाएगा, यहाँ सोफ़ा ला के लगा दूँगा। हालांकि अभी मेरे पास इतने पैसा नहीं है, अभी तो सिर्फ $350 है, और ये थोड़ा बड़ा है इसलिए इसको किचन बनाने वाला हूँ। तो हमारा घर तो अभी पूरा खाली है क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं है, और जो भी पैसे हमारे पास हैं उनसे हम सबसे पहले अपने शॉप में जाएंगे, शॉप के लिए कुछ सामान खरीदेंगे और उसको बेच के जो प्रॉफिट होगा उससे अपने घर को धीरे धीरे डेकोरेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन चले जाते हैं अपने दुकान में। तो ये है हमारा दुकान लेफ़्ट का, और ये मैप है तो इसमें पूरा शोरूम का वो दिया हुआ है। तो ये हमारे दुकान का नाम है टॉप डेली, और चेंज तो अभी नहीं कर सकते। वैसे ये है हमारा टैबलेट, तो हम अपने सारे शॉप को इसी जो टैबलेट है इससे ही मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलो ये शेल्फ़ को लेके चलते हैं अपन अंदर, और ये बॉक्स भी क्या चीज़ का इसको भी ले लेते हैं और अपना दुकान खोलते हैं। और मुझे लगता है अच्छा ये हमारा मैनेजर हो सकता है जो हमारा शॉप को मैनेज करेगा। तो सबसे पहले मैं इधर शेल्फ़ लगाऊं कि ये लेफ़्ट में लगा दूं, इधर नहीं, इधर अच्छा नहीं होगा, उधर वेजिटेबल्स लगाएंगे। इधर शेल्फ़ लगा देता हूं और ये इसमें सारे सामान है उसको सेल्फ में प्लेस कर देता हूं। तो ये मेरे को लगता है केलॉक्स होगा, उसी के डिब्बे जैसा दिख रहा है। तो सबसे पहले इसको लगाते हैं और देखेंगे फिर क्या करना है इसके बाद। और ये 5 बॉक्सेस भी दिख रहे हैं, तो सारे बॉक्सेस को मैं ले लेता हूँ, क्या पता इसके अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहले इसको प्लेस कर देता हूँ इधर, और उसके बाद सबको खोल के देखता हूँ कि क्या क्या है इसके अंदर और क्या चीज़ें हमको होलसेल शॉप से लेके आनी है और अपने शॉप में लगानी है। तो इसके अंदर है टॉयलेट पेपर है शायद ये, तो टॉयलेट पेपर को मैं सोच रहा हूँ नीचे लगाता हूँ, ऊपर अच्छा नहीं दिखेगा टॉयलेट पेपर। तो लाइन से टॉयलेट पेपर को नीचे लगा देता हूँ, इधर एक, इधर भी एक, और इसमें भी एक, इधर लग जा, हाँ ये भी एक लग गया। और बाकी इस बॉक्स में क्या है, अच्छा इस बॉक्स में ऑयल है, खाने का जो ऑयल होता है ना वो ऑयल है, और ये गम है, और इसमें क्या है, इसमें चिप्स है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चिप्स है, डब्बे डब्बे के अंदर आ रहा है, और ये बिस्किट है। और सारी चीज़ को लगाने के बाद ये हमारा टैबलेट है, तो इसमें हमारा कंप्लेन स्टेटस में कंप्लेन आएगी जो कस्टमर को हमारे शॉप में नहीं मिल रहा है, और जिसको हम जेबर शॉप से जाके ला सकते हैं। और ये हमारा बिल का सेक्शन है, और जितने भी सारे हमारे बिल आएंगे हम यहाँ से उसको पे कर सकते हैं, लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल और भी कुछ अदर बिल होगा, उन सारे बिल को यहीं से पे कर सकते हैं। तो ये हमारा मैप है, और हमको जाना है सबसे पहले जेबर शॉप में। नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि जेबर शॉप में सामान ख़रीदने से पहले कुछ एक आध दो शेल्फ़ ख़रीद लेते हैं ताकि रखने के लिए भी आसानी से जगह हो जाए। तो देखते हैं, पहले इक्विपमेंट स्टोर में चलते हैं, फर्नीचर स्टोर नहीं, इक्विपमेंट स्टोर में चलते हैं, मुझे लगता है वहाँ मिल ही जाएगा शेल्फ़ हमारे शॉप के लिए। और मैं सबसे सस्ता सुंदर और टिकाऊ वाला शेल्फ़ ख़रीदने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं है, सिर्फ $350 है। तो इसमें हमको शेल्फ भी ख़रीदना है और जेबर शॉप से सामान भी ख़रीदना है अपने दुकान के लिए। तो ये आ गया मैं इक्विपमेंट स्टोर, और देख के तो काफ़ी बड़ा शोरूम लग रहा है, और ATM है यहाँ भी, लेकिन मेरे पास अभी बैंक कार्ड है नहीं क्योंकि मैं बैंक गया ही नहीं हूँ। पहले यहाँ से ले लेते हैं कुछ सामान, उसके बाद जाएंगे बैंक, और काफ़ी ज़्यादा सामान है यार। अच्छा ये बड़ा वाला काफ़ी अच्छा दिख रहा है, $120 का, 1, 2, 3, 4, तो 5 या 5 सेल्फ है गाइस, सबसे सस्ता तो यही पड़ने वाला है मेरे को जहाँ तक पता है।
तो मैं इसी को लेने वाला हूँ। और ये है $100 का 3 शेल्फ, नहीं ये महंगा पड़ जाएगा, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सामान अपन रख सकते हैं, $120 का। इसको ले लेता हूँ और इसको, वाह ये तो $40 का है, उससे भी सस्ता, 3 शेल्फ 40 में, यानी 3 शेल्फ ले सकते हैं, तो एक इसको भी ले ही लेता हूँ मैं। तो चलो फाइनली उसको लेने के बाद मैं आ गया हूँ जेवर शॉप में, और यहाँ से अपन सबसे पहले ख़रीदने वाले हैं, जो हमारे शॉप में कुछ कंप्लेन आ रही होगी उसको, तो हमारे शॉप में क्या क्या चीज़ की कंप्लेन आ रही देखते हैं। सबसे पहले म्योनिस की आ रही है, बिस्किट, मेलन तो यहाँ नहीं मिलने वाला, कैरेट जूस मिल सकता है, कैंड फ्रूट भी मिल सकता है, और क्राफ्ट लेग देखना पड़ेगा यहाँ क्या है, लेदर वाला सामान भी नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले सारे सामान मैं ले लेता हूँ यहाँ से, इसको ले लेता हूँ, और मैं वही सामान लूँगा जो मेरे को काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेगा। ये भी ले लेता हूँ, ये इसकी ज़रूरत तो नहीं है, अगर फ्यूचर में कंप्लेन आ गई शॉप से और हम फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे तो हमारी शॉप की जो रेटिंग है वो घट जाएगी। तो सबसे पहले अब ख़रीदने के बाद हम अपने शॉप में चले जाते हैं और सारे सामान को अपने शॉप में सेल्फ में प्लेस कर देते हैं। तो ये सबसे पहले सेल्फ प्लेस करता हूँ, और ये बड़ा वाला इसके जस्ट साइड में प्लेस कर देता हूँ, और इसमें काफ़ी ज़्यादा सामान आने वाला है। तो सबसे पहले हम अपने सारे बॉक्सेस को ले लेता हूँ और वहाँ जाके सारे को जमा देता हूँ। इसको टेबल बोलते हैं कि क्या बोलते हैं मुझे उतना आइडिया नहीं है, सेल्फ पता है, सेल्फ बोलते हैं। 5 से 7 बॉक्सेस लाए थे हम वहाँ से, सारे को यहाँ से जमा के एक एक करके सारे सामान को अपने शेल्फ में लगा दूँगा। तो ऊपर में ही रखता हूँ सबसे पहले इसमें, और सारे सामान को रखने के बाद ये हमारा प्लेयर स्टेटस है, तो इसमें हमको दिखाएगा कि हम कितने गंदे हो चुके हैं, हमारा हेल्थ स्टेटस कैसा है, और हमको वॉशरूम जाने की ज़रूरत है या नहीं है, हमको नहाने की ज़रूरत है या नहीं है। तो काफ़ी रात हो चुकी है, तो चलते हैं। अब सबसे पहले हमको चलना पड़ेगा अपने लिए बाथ टब ख़रीदने के लिए, तो ये फर्नीचर शॉप है, यहाँ से हमको मिल जाना चाहिए मेरे हिसाब से बाथ टब तो, और यहाँ भी ATM है, लेकिन जैसे ही सुबह होगा हम सबसे पहले जाएंगे बैंक में। तो पहले यहाँ ये टॉयलेट शीट भी ख़रीद लेता हूँ, हालांकि यूज है, जो कि अच्छा है वैसे तो, हमको कौन सा महल बनाना है वैसे, बाद में किसी दूसरे शॉप से नया वाला लेंगे बाथ टब और टॉयलेट सीट, लेकिन सबसे पहले फ़िलहाल अभी यूज टॉयलेट सीट से ही काम चला लेते हैं, काम निकलना चाहिए। तो अब हम चलते अपने घर और सारे बाथ टब और टॉयलेट सीट को लगाने वाले अपने घर में, और नहाने वाले भी हैं क्योंकि हम काफ़ी गंदे हो चुके हैं, अगर ज़्यादा देर तक गंदे रहें और भूखे रहें तो शायद बीमार पड़ सकते हैं। और इस गेम में मैंने देखा है कि भाई अगर हम बीमार पड़ गए तो $250 देने पड़ते हैं डॉक्टर को, जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगा सौदा है। तो हमारा घर आ चुका है, और ये साइड में मुझे लगता है हमारा घर जंगल में है, ये समुद्र टाइप का दिख रहा है, उम्मीद है यहाँ कोई जंगली जानवर ना आए तो बेहतर है। वैसे हम तो घर के अंदर रहने वाले हैं, हमको उतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। तो ये हमारा वॉशरूम आ गया, यहाँ सबसे पहले इसको प्लेस कर देते हैं, और इधर लेफ्ट में ऐसे घुमा के लगाऊंगा मैं सोच रहा हूँ इसको, बाथटब ये थोड़ा और सटा के चिपका के लगा देते हैं ये, हाँ ठीक है प्रॉपर। तो हमारा सबसे पहले अपन टॉयलेट ही कर लेते हैं, तो अब इन दोनों का यूज़ कर लेते हैं ताकि हमारा प्लेयर पहले से अच्छा हो जाए, और हम काफ़ी गंदे भी हो चुके हैं, तो सबसे पहले इसको यूज़ करते हैं। और नहाने के बाद
काफ़ी ज़्यादा हमको फ्रेश फ्रेश फील हो रहा है और हमारा खाना भी ठीक है। वैसे खाने की तो ज़रूरत नहीं है, फिर हम सो जाते हैं आज, काफ़ी ज़्यादा काम कर लिए सो जाते हैं आज। तो फाइनली सुबह हो चुकी है और आज हमारा काम है, बहुत सारे काम है आज भी, लेकिन फिलहाल आज वो काम हम आज वाली वीडियो में नहीं करने वाले। तो अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं गाइस तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि डेली इस चैनल पर ट्रेडर लाइफ सिमुलेटर 2 की सीरीज़ आने वाली है। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग गाइस।